नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। सुबह 9 बजे की खबरों के साथ मैं हूं प्रीति। एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड की 69 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। 628 उम्मीदवार मैदान में, सुरक्षा के लिए नेपाल और दूसरे राज्यों से लगने वाली सीमा सील। उत्तर प्रदेश में दूसरे दौर की वोटिंग जारी। 67 सीटों के लिए 721 उम्मीदवार। शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। तमिलनाडु में राजनीतिक गतिरोध दूर करने के लिए राजभवन पर टिकी निगाहें। अन्ना द्रमुक विधायक दल के नेता पलनीसामी और पनीर सेल्वम को विश्वास मत के लिए न्योते का इंतजार। दीपा जयकुमार का पनीर सेल्वम को समर्थन। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा और हंदवाड़ा मुठभेड़ में 4 आतंकी ढेर। 1 मेजर और 3 जवान शहीद, 8 जवान घायल। दुनिया का सबसे बड़ा उपग्रह प्रक्षेपण मिशन आज इसरो इतिहास रचने को तैयार। थोड़ी देर में छोड़े जाएंगे 104 उपग्रह। और आइए चुनाव से जुड़ी खबरों से शुरुआत करेंगे। और सबसे पहले बात उत्तराखंड की, जहां 70 में से 69 विधानसभा सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। इस बार 628 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। राज्य में कुल 75,12,559 मतदाता इन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने किसी भी गड़बड़ी से निपटने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। लाइसेंसी हथियारों को जमा करने की कार्रवाई के साथ शराबबंदी और पेड न्यूज पर पहले से ही नजर बनी हुई थी। इस बार के चुनाव में कुल 10,685 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उत्तराखंड की 69 सीटों के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने मतदान की तैयारियां पूरी कर ली हैं। सभी इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही मतदाताओं की सुविधाओं का भी ख्याल रखा जा रहा है। 70 सीटों वाली उत्तराखंड विधानसभा में इस बार 628 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। राज्य में कुल 75,12,559 मतदाता इन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। सीधा रुख करेंगे देहरादून में, मौजूद है हमारे संवाददाता श्याम सुंदर। शाम 8 बजे से वोटिंग शुरू हो रही है, आज मतदाताओं की बात करने का दिन है, किस तरह का उत्साह? देखिए, जहां तक उत्साह का सवाल है, आज सुबह से ही हमने देखा कि मतदान केंद्रों पर सुबह से ही काफी बड़ी तादाद में यहां पर मतदाता आ रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं। धूप निकल चुकी है, मौसम बहुत ही खूबसूरत है देहरादून में। और यहां पर खास बात ये देखी हमने कि पुरुषों से ज्यादा महिलाएं कई मतदान केंद्रों पर वोट डालती हुई हमें मिली। और जब हम लोगों ने उनसे बात की, जहां तक चुनावी मुद्दों का सवाल है, जो जिस तरह का प्रचार रहा उसके बाद भी लोग बहुत ही संतुलित तरीके से इन पूरे चुनाव प्रचार को देखते हैं। और उनका ये कहना है कि राज्य का विकास जो है और स्थानीय मुद्दे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि कुछ लोगों ने नोटबंदी की भी बात की, कुछ लोगों ने वन रैंक वन पेंशन की भी बात की, लेकिन ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि 16-17 साल इस राज्य को बने हुए हो गए हैं और जो वायदे किए गए थे, खासतौर पर अगर आप राजधानी देहरादून की अगर बात करें तो यहां पर अभी भी सड़क बिजली पानी जैसे मुद्दे हैं, यहां पर शीवर लाइन के मुद्दे हैं, स्कूल्स के मुद्दे हैं। तो निश्चित तौर पर जो राष्ट्रीय नेता आए हैं उन्होंने जो इश्यूज उठाए हैं वो इश्यूज भी कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, लेकिन मोटे तौर पर यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। चर्चा हुई है कि जो जिन आपदा प्रबंधन का में अच्छे से काम ना करने का जिन पर आरोप लगा, कांग्रेस के नेता जो मुख्यमंत्री थे विजय बहुगुणा, उस वक्त में जो मंत्री थे हरक सिंह रावत, वो आज भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। और उसी तरह से कई भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो जहां तक दल बदल का सवाल है, उसमें दोनों पार्टियों की स्थिति लगभग एक जैसी है। तो उस मोर्चे पर अगर देखें तो बहुत ज्यादा विकल्प मतदाताओं के सामने नहीं है। तो स्थानीय मुद्दे और राज्य का विकास जो है ये महत्वपूर्ण है। हमने देखा है चुनाव दर चुनाव मुद्दे लगभग एक जैसे रहते हैं। विकास की बाट हम जानते हैं, उत्तराखंड में भी तमाम इलाके हैं जो अभी तक जो रहे हैं, और जिस तरह आप बता रहे दल बदल और बागी,
ये हमने इस चुनाव में भी आखिर तक देखा, आखिर तक चलता रहा। और बागियों से निपटना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, किस तरह से खेल बिगाड़ सकते हैं दोनों पार्टियों का, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। श्याम सुंदर, लगातार हम आपके पास आते रहेंगे, फिलहाल जो अपडेट आपने हम तक पहुंचाया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उत्तराखंड में तो वोटिंग चली रही है, आज उत्तर प्रदेश में भी दूसरे दौर का चुनाव हो रहा है और मतदान सुबह 7 बजे से जारी है। दूसरे दौर में 11 जिले हैं जिनकी 67 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। मतदान 7 बजे शुरू हुआ है जो शाम 5 बजे तक चलेगा। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। संवेदनशील इलाकों में भी सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। जिन 11 जिलों में वोटिंग हो रही है उनमें सहारनपुर, रामपुर, शाहजहांपुर, संभल, पीलीभीत, अमरोहा, बरेली, लखीमपुर खीरी और बदायूं भी शामिल है। दूसरे दौर में कुल 2,28,79,185 मतदाताओं को 721 उम्मीदवारों की किस्मत तय करनी है। इनमें 1,23,84,449 पुरुष जबकि 1,04,93,671 महिला मतदाता हैं। शांतिपूर्ण मतदान के लिए चुनाव आयोग ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं और संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। दूसरे दौर में कुल 721 उम्मीदवार हैं, इनमें 82 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। सबसे ज्यादा 67 उम्मीदवार बीजेपी और बीएसपी ने मैदान में उतारे हैं। आरएलडी के 53, समाजवादी पार्टी के 51, कांग्रेस के 18 उम्मीदवारों समेत 207 निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में उतरे हैं। दूसरे दौर में 23,696 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सीधा बरेली चलेंगे जहां हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन मौजूद हैं। अखिलेश, आपने सुबह अच्छी तस्वीरें दिखाई थी, प्रमाण पत्र मिले हैं, लोगों का उत्साह जहां आप खड़े हैं वहां भी अच्छा दिखाई दे रहा है। 2 घंटे बीत चुके हैं, आपकी क्या तस्वीर है? प्रीति, अब मैं आपको और ज्यादा अच्छी तस्वीर दिखा रहा हूँ। आप देखिए मेरे पीछे, उस समय तो लाइन नहीं थी लंबी, लेकिन अभी देखिए अब कतार में लोग लग गए हैं और कतार में इस तरह से आप देखिए कि पुरुषों के कतार हैं, महिलाओं के भी कतार हैं। हालांकि महिलाओं की कतार अभी बहुत छोटी है, आपको दिखाई नहीं पड़ेगी, लेकिन पुरुष लोग बड़ी संख्या में अब मतदान केंद्रों पर आ गए हैं और वो चुनाव में बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से, जैसा कि आपने बताया कि सुरक्षा के पूरे इंतजाम के अलावा, मुझे लगता है कि जनमानस के मन में भी एक परिवर्तन आया है। लोगों को यह लगने लगा है कि जिस तरह का चुनाव का, लोकतांत्रिक चुनाव का माहौल होता है, उसमें लड़ाई झगड़े से कुछ फायदा नहीं होता, अंत में जनता की हानि होती है। इसलिए मैंने बहुत लोगों से बात की, लोगों ने कहा कि जो पहले झंडे पताके हर जगह पोस्टर लगाने वाले जो मामले होते थे, उनके बंद होने के कारण भी बहुत सारे तरह के झगड़े खत्म हो गए। और चुनाव आयोग ने जो हर तरफ से सुरक्षा बलों का इंतजाम किया है, बड़ी संख्या में बूथ बनाए गए हैं ताकि लोगों को लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़े। तो इसके चलते हुआ क्या है कि हर मोहल्ले में करीब 10 से 15 बूथ बन गए हैं हर मोहल्ले में। तो इसके चलते लोग आते हैं, थोड़ी देर के लिए आते हैं और उसके बाद मतदान देकर चले जाते हैं। काफी एक तरीके से कहें कि एक इंटरटेनिंग पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसको कहें कि लोग आते हैं, एक लोगों से मिलते जुलते भी हैं और उसके बाद मतदान करके चले जाते हैं। तो जहां तक बरेली की स्थिति है, वो ऐसी ही स्थिति है, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से लोग मतदान कर रहे हैं। और जैसा कि जानते हैं कि ये पूरा जो इलाका है जहां दूसरे फेज में मतदान हो रहा है, या इलाका एक तरह से खेती का इलाका है, दूसरी तरह से इंडस्ट्री का भी इलाका है, हस्तकला उद्योग यहाँ है, ब्रास की इंडस्ट्री है। आप जानते हैं रामपुर में चाकू बहुत फेमस है, बरेली जहां मैं खड़ा हूँ वहां सुरमे की इंडस्ट्री रही है, देश विदेश में सुरमे जाते रहे, यहाँ के लोग काफी मेधावी है उस तरह के अपने हस्तकला में। और ऐसे में जो खास तरीके के लोगों को सुरक्षा की बात होती है, लोग कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, लोग यह कहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, लोग यह कहते हैं कि व्यवसाय की सुरक्षा होनी चाहिए ताकि कोई ऐसा ना हो कि आके छीन झपट कर ले अनावश्यक पैसा वो। बिल्कुल, अब यही देखना है कि जो लोगों ने बातें कही है, जिन मसलों के बारे में मुखर होकर बोला है, क्या उन्हीं मसलों को ध्यान में रखकर आज वो वोटिंग के लिए बटन दबाते हैं या नहीं, देखना होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, आप हमारे साथ जुड़े और इस तमाम जानकारी को आपने बरेली से हम तक पहुंचाया। अभी हम सीधा रुख करेंगे, अमरोहा में मौजूद हैं हमारे संवाददाता जैगम मुर्तजा। जैगम, हम आपके पीछे भी कतारें देख पा रहे हैं, किस तरह का उत्साह दिख रहा है?
हाँ प्रीति, हमने जैसे सुबह आपको बताया था, जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे वोटर घर से निकलेंगे, अपने लिए वोट करेंगे। और आप देख सकती हैं मेरे साथ कुछ वोटर हैं जो वोट डाल कर आए हैं। हम इससे पूछते हैं कि मुद्दों पर इन्होंने जो है मतदान किया है, क्या यहाँ पर मुद्दे हैं। आप बताएंगे कि जब वोट डालने आए हैं तो क्या मुद्दे हैं, कि क्या आपने? हम अपने विकास के कारण का अखिलेश सरकार से जो है मतलब सड़कों के मामले में और जो विकास मंत्रकन का किया है बिजली के मामले में और पानी के मामले में मतलब कनका और शिक्षा के मामले में मतलब कनका इन मुद्दों पे जो अपना वोटिंग कर रहे हैं। देखिए, तो सभी सरकारें काम करती हैं, ये अलग अलग पार्टी के अगर आप नुमाइंदगी ना करें और जनरल आम जनता की अगर बात करें, जनता के क्या मुद्दे, किन किन मुद्दों पर आप वोट कर रहे हैं? जी हाँ जी, हम जो है मतलब कनका विकास के मुद्दों पर बात कर रहे हैं और कोई बात नहीं, मतलब जनता के लिए जो है ना काफी सहूलियत दी है, जैसे सड़कें हैं, पानी है और बिजली है, मतकन का और शिक्षा के मामले में और मतकन का जो सामाजिक पेंशन है या मतकन का जो मतलब लोगों को सहूलियत मिल रही है। अच्छा, आप बताएंगे बेरोजगारी है यहाँ पे, इस तरह के कोई मुद्दे हैं, नोटबंदी, बेरोजगारी, इन मुद्दों पे आप मतदान? जी, नोटबंदी के तो परेशानी पड़ी है सबको, सभी को परेशानी पड़ी नोटबंदी में, तो बहुत पीछे हो गए। लेकिन बेरोजगारी है यहाँ पे, बिल्कुल। फिलहाल माफ कीजिएगा, आपको रोकना चाहूंगी। तो जाहिर तौर पर विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा लोगों के लिए है और आज जिन 11 जिलों में वोटिंग हो रही है वहां सुबह तस्वीरें अच्छी मिल रही हैं, लगातार हमारे संवाददाता दिखा रहे हैं, बता रहे हैं और लोगों से बात भी की। जैगम, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। एक बार फिर हम उत्तराखंड का रुख करेंगे जहां 70 में से 69 सीटों पर आज वोटिंग चल रही है। नैनीताल में मौजूद है हमारे संवाददाता नवविक्रम। नवविक्रम, आपसे भी मतदाताओं के उत्साह के बारे में बात करना चाहेंगे, किस तरह की तस्वीरें मिल रही हैं नैनीताल से? जी प्रीति, अगर मतदान के पहले घंटे की बात करें यानी सुबह 8 बजे से 9 बजे तक यहां पर लगातार कतारें थी और हालांकि उसके बाद धीरे धीरे अभी कम हो रहा है क्योंकि सुबह का वक्त है, लोग 8 बजे से 9 बजे के बीच में, इसके बाद जो जब निकलेंगे, यहां के लोगों का कहना है कि 11 बजे के बाद वोटिंग फिर एक बार तेजी पकड़ेगी। तो पहले लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि यहां पर जो चुनाव के लिए जो नए मतदाता जो जुड़े हुए हैं वो भी काफी है, काफी संख्या में पहली बार मत इस्तेमाल करने वाले लोगों ने भी यहां पर मतदाताओं ने अपने मत का इस्तेमाल किया, तो खासी खुशी देखने को मिल रही है। और एक तरीके से जो चुनाव आयोग की खास मुहिम थी मत प्रतिशत बढ़ाने की, वो लगभग कामयाब होती दिख रही है। जी प्रीति, बिल्कुल। नवविक्रम, इस बार तमाम मुद्दों की आप लगातार बात करते आए, आपने देखा किस तरह से बागी मुश्किलें पैदा कर रहे हैं, तमाम चीजों की हमने बात की, लेकिन क्या माना जा रहा है कि हरीश रावत की प्रतिष्ठा दांव पर है, उनके कंधों पर बहुत भार है कांग्रेस का? वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की बात करें तो मुख्यमंत्री का कोई चेहरा जिसका ऐलान नहीं किया गया, क्या इन सबका भी असर है मतदाताओं पर? जी प्रीति, बिल्कुल इस बात का असर है क्योंकि जो मतदाता है वो पशुपेश में है कि क्योंकि बड़ी संख्या में कांग्रेस से बीजेपी की तरफ आ चुके हैं जो उम्मीदवार हैं और कांग्रेस से बीजेपी की तरफ में, मतलब दोनों तरफ जो उम्मीदवारों की अदला बदली, जो 5 साल से कयास लगा रहे थे टिकट का, अगर उन्हें कांग्रेस ने टिकट नहीं दी है तो बीजेपी के पाले में गए हैं। ऐसे में जो जो कार्यकर्ता है उसके साथ साथ मतदाता भी परेशान है कि आखिर जो पहले हमसे 5 साल पहले लगातार वोट मांगते थे बीजेपी के लिए, वो आज कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं। हरीश रावत के लिए खास तौर पर ये चुनाव बहुत ही अहम है क्योंकि उनकी पूरी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, उन्होंने जिस तरीके से टिकट बंटवारे में भी आलाकमान में हरीश रावत की बात मानी गई, और इसके अलावा हरीश रावत एकमात्र नेता के तौर पर उभरे हैं जहां बीजेपी में कई चेहरे दिखाई देते हैं, यहां के जो पोस्टर वॉर है उसमें भी बीजेपी के पास 9 चेहरे हैं लेकिन यहां पर कांग्रेस के पास एकमात्र चेहरा हरीश रावत है, तो ऐसे में ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने की उम्मीद है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवविक्रम इस तमाम जानकारी को फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए। और आइए जोशीमठ का रुख करते हैं, संवाददाता प्रणव गोस्वामी वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रणव, 8 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है, 1 घंटा है और आप जोशीमठ में हैं, पहाड़ी इलाका है, यहां किस तरह के इंतजाम है और किस तरह का उत्साह? देखिए, 8 बजे के बाद से ही लोग अपने घरों से निकलकर जो पोलिंग स्टेशन वहां पहुंचना शुरू हो गए, लोगों की कतारें लगनी शुरू हो गई है और एक अच्छा खासा उत्साह
जो वोटर्स उनमें दिखाई दे रहा है। सुबह से ही पहाड़ी इलाका है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड में हमेशा से ही विकास को लेकर जो बातें की जाती रही है, वो जो समतल इलाके हैं और पहाड़ी इलाके हैं उनके बीच में जो असमान विकास है, इसका मुद्दा हमेशा महत्वपूर्ण रहता है। और इस बार जो वोटर्स हैं उनके उनके लिए भी ये मुद्दा महत्वपूर्ण है। और जो वोटर्स हमारी बात हो रही है वो यही कह रहे हैं कि जो भी विकास है वो उत्तराखंड में जो देहरादून है या फिर जो हरिद्वार है या वो जो इलाके हैं वहां ज्यादा हुआ है, जबकि पहाड़ी इलाकों के जो 10 जिले हैं वो अछूता रहा है विकास से। और ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, अस्पताल हो, सड़कें हो, शिक्षा हो, उसके लिए उन्हें काफी, या रोजगार हो, उनके लिए काफी लंबा सफर तय करना पड़ता है समतल जिलों तक पहुंचने के लिए। तो ये मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ जैसा आपको पता है 2013 में जिस तरह से एक प्राकृतिक आपदा आई थी उसकी वजह से जो टूरिज्म को नुकसान हुआ था, जो यहाँ की आर्थिक जो रीढ़ है, आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ है इस राज्य की, उसको अभी तक भी 4 साल बाद भी उसमें उस वो जो सामान्य स्थिति है वो नहीं आ पाई है। और इससे जो बड़ा नुकसान हुआ था उसके बाद जो पुनर्वास जैसी जो मुद्दे है वो भी महत्वपूर्ण है। तो ये जो पूरा इलाका है बद्रीनाथ, केदारनाथ और जो चमोली जिला है, रुद्रप्रयाग जिले हैं, यहाँ पर ये सारे मुद्दे महत्वपूर्ण है। पलायन का मुद्दा महत्वपूर्ण है और इन्हीं को ध्यान में रखकर वोटर्स अपने घर से बाहर निकल रहे हैं और ये सारी उम्मीदें उन्हें अपने आने वाली सरकार से जरूर है। बिल्कुल, पहाड़ी इलाकों के मसले हम माने तो एक तरह से चुनाव दर चुनाव एक जैसे ही बने हुए हैं। प्रणव, जैसा आपने तमाम लोगों से बात की होगी, आप कह रहे हैं ये मुद्दे जरूर हैं, लेकिन क्या उन्हें लग रहा है इस बार चुनाव में उठ पाए हैं उनके मुद्दे, उतनी तरजीह मिली है उन्हें? देखिए, ये अपने आप में बहुत विडंबना है क्योंकि हमने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान भी देखा, एक महीने के चुनाव प्रचार में ये मुद्दे हाशिए पर थे, कहीं इनका कोई जिक्र नहीं था। और जबकि दूसरे मुद्दे जो राजनीतिक मुद्दे हैं वो ज्यादा हावी थे, कौन किसने किस दल बदल कर दूसरे दल में शामिल हुआ, किसने किसको धोखा दिया, किसने किसके ये कहा जाए जो रेबल होकर चुनाव में खड़े हुए, और किस तरह से भ्रष्टाचार जैसे जो मुद्दे हैं उस पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना दोनों ही प्रमुख दलों की तरफ से, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, इन सारे मुद्दों की गूंज सुनाई दी, लेकिन जो असल मुद्दे थे वो कहीं सुनाई नहीं दिए। तो ये अपने आप में एक ये कहा जाए कि एक बहुत ही विडंबना की स्थिति है जो इस बार भी देखने को मिली। और इसमें कहीं ना कहीं वोटर्स को ऐसा लगता है कि उनकी आवाज कहीं दब गई है, लेकिन यही एक मौका है कि जब जो वोटर्स है वो घर से बाहर निकलकर अपना वोट के हक का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके सामने भी अपने नेताओं को ये एक तरह से कहने का एक मौका है कि उनके मुद्दों को भी सुना जाए और उनके मुद्दों का भी हल किया जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रणव, इस तमाम जानकारी को आपने जोशीमठ से हम तक पहुंचाया, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तमाम चुनाव से जुड़ी तस्वीरें, चुनाव से जुड़ी जानकारी फिलहाल आप तक पहुंची है। अब हम कुछ और अहम खबरों का रुख करेंगे। आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी पाए जाने के बाद कल रात एडीएम के महासचिव शशिकला पोस्ट गार्डन में कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंची। उन्होंने इसे मुश्किल घड़ी बताया और विधायकों की ओर से मिले समर्थन के लिए शुक्रिया अदा किया। शशिकला ने कहा कि कोई भी ताकत उन्हें पार्टी से अलग नहीं कर सकती। उन्होंने कार्यकर्ताओं से लोगों के कल्याण के लिए काम करने की अपील की। शशिकला ने अपने खेमे की सरकार बनने की भी उम्मीद जताई। इस बीच जयललिता की भतीजी दीपा जयकुमार कार्यकारी मुख्यमंत्री पनीर सेल्वम के पूरी तरह से समर्थन में आ गई हैं। वो पनीर सेल्वम के साथ कल जयललिता की समाधि पर भी गई। और आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी पाए जाने के बाद शशिकला अब 10 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। कोर्ट ने उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा है। राजनीतिक दलों ने फैसले का स्वागत करते हुए राज्यपाल से तमिलनाडु मसले का जल्द हल निकालने की अपील की है। प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता दूर करने को लेकर अब सबकी निगाहें राजभवन पर टिकी हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने का वीके शशिकला का सपना टूट गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आय से ज्यादा संपत्ति मामले में उन्हें दोषी पाया है। कर्नाटक हाईकोर्ट का आदेश रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला बहाल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शशिकला को 4 साल की सजा पूरा करने को कहा है। शशिकला 6 महीने की सजा काट चुकी हैं, उन पर 10 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया है। इसमें सिर्फ रिव्यू के लिए मांग सकते हैं, वो तो इसी जज के पास जाएंगे। इस जजमेंट के बाद बेफजूल है,
और यदि इस जज के सामने दोबारा नहीं जाओगे तो फिर क्यूरेटिव 5 जज के सामने भी नहीं जा सकते हो, वो सब एक औपचारिकता है। मैं मुझे नहीं लगता कि 4 साल से की सजा से बच सकते हैं। इस मामले में जयललिता मुख्य आरोपी थी। निधन के बाद जयललिता के खिलाफ कार्रवाई खत्म हो गई है। शशिकला के दो रिश्तेदारों वीएन सुधाकरन और येलवरासी को भी 4 साल की सजा और 10 करोड़ का जुर्माना भरना होगा। See, already now, you know very well, cases there we are going to appeal for that. There is appeal, definitely review petition will be there. We are going for appeal. विपक्षी दलों ने फैसले का स्वागत किया है और राज्यपाल से स्थिर सरकार के लिए कदम उठाने की अपील की है। குறிப்பாக 21 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நீதி நிலைநாட்டப்பட்டிருக்கு. குறிப்பா நீதிபதி குன்கா அவர்கள் தந்த தீர்ப்பு. This center has no role to play. Governor will take a decision based on the situation there, and we don't want BJP has no interest to interfere, and we have no stakes also. Governor, जिनकी भूमिका संदेह के घेरे में रही है, उनको फौरन विधानसभा का सत्र बुलाना चाहिए और AIADMK के सब पक्षों को अपनी अपना बहुमत साबित करने की अनुमति देनी चाहिए। Political uncertainty currently prevailing in Tamil Nadu must end. Immediately, those who can prove the majority on the floor of the House in the Assembly must be called to form the government. ये मामला 19 साल पुराना है। आरोप था कि साल 1991 से 1996 के बीच मुख्यमंत्री रहते हुए जयललिता ने 66 करोड़ रुपए से ज्यादा की बेहिसाब संपत्ति अर्जित की। इसमें शशिकला और बाकी दोषियों ने उनकी मदद की थी। जानकारों का मानना है कि आने वाले वक्त में ये फैसला भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए एक नजीर साबित होगा और साथ ही साथ राजनीतिक दलों और राजनेताओं के हाथ में एक औजार के रूप में इसको देखा जा सकेगा। दिल्ली से कैमरामैन अश्विनी के साथ रविंद्र सिंह शोरण, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर में कल दो अलग अलग मुठभेड़ में 4 आतंकवादी मारे गए हैं। ये मुठभेड़ बांदीपुरा और हंदवाड़ा में हुई। हंदवाड़ा में 3 आतंकी जबकि बांदीपुरा में 1 आतंकी मारा गया। इस दौरान मेजर एस दहिया और 3 जवान भी शहीद हो गए। खुफिया जानकारी के बाद मंगलवार तड़के हाजुन इलाके में अभियान शुरू किया गया था। मुठभेड़ में 1 नागरिक समेत 8 जवान घायल हो गए हैं। इससे पहले रविवार को कुलगाम में हुई मुठभेड़ में सेना ने हिजबुल मुजाहिदीन के 4 आतंकवादियों को मार गिराया था। इस मुठभेड़ में 1 नागरिक समेत सेना के 2 जवान शहीद हुए थे। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने देश की आंतरिक सुरक्षा को परंपरागत और गैर परंपरागत दोनों तरीकों से खतरा बताया है। 5वें सुब्रमण्य मेमोरियल लेक्चर के दौरान कल उन्होंने बताया कि राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए देश के अंदर से पैदा होने वाले खतरे को पहचानने की जरूरत है। इस मौके पर विदेश सचिव एस जयशंकर के अलावा कई जानी मानी हस्तियां मौजूद थी। इस कार्यक्रम का आयोजन ग्लोबल इंडिया फाउंडेशन ने किया था। Safeguarding the political and cultural identity of a state necessitates identification of threats, potential or actual, that emanate from within a state. These domestic threats to security can be conventional and non-conventional. श्रीहरिकोटा के अंतरिक्ष केंद्र से कुछ ही पलों बाद यानी 9:28 पर 104 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाना है। इनमें पृथ्वी के अध्ययन के लिए 714 किलोग्राम का कॉर्टसेट 2 सीरीज उपग्रह शामिल है। 104 में से 96 उपग्रह अमेरिका के हैं जबकि 2 भारत के हैं। एक साथ इतने सारे उपग्रह प्रक्षेपित करने का यह पहला कारनामा होगा। अंतरिक्ष में इसरो की नई उड़ान पर दुनिया भर की नजरें हैं। इस प्रक्षेपण के तहत अंतरिक्ष में 2 या 3 नहीं बल्कि पूरे 104 उपग्रह एक ही अभियान के तहत प्रक्षेपित किए जाने हैं। Really significant result today for Indian aerospace, Indian space research. It's not every day that you have 104 satellites going every time. ऐसा पहली बार है जब 100 से ज्यादा उपग्रहों को एक साथ प्रक्षेपित किया जा रहा है। मिशन का मुख्य उपग्रह 714 किलोग्राम वजन वाला कार्टोसैट 2 सीरीज उपग्रह है जो इसी सीरीज के पहले प्रक्षेपित दूसरे उपग्रहों के समान है। इसके अलावा इसरो के 2 और 101 विदेशी नैनो उपग्रहों का भी प्रक्षेपण किया जाना है जिनका कुल वजन
664 किलोग्राम है। विदेशी उपग्रहों में अमेरिका के 96 उपग्रहों के अलावा इसराइल, कजाकिस्तान, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और संयुक्त अरब अमीरात के एक एक उपग्रह शामिल हैं। कार्टोसैट 2 सीरीज के उपग्रह में निगरानी के लिए अति आधुनिक और उच्च शक्ति का कैमरा लगा होगा। इस मिशन के जरिए भारत प्रक्षेपण के सभी रिकॉर्ड तोड़ देगा। एक ही अंतरिक्ष मिशन से सबसे ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड रूस के नाम है। 2014 में रूस ने 37 सैटेलाइट लॉन्च किए थे। वहीं 2013 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक साथ 29 उपग्रह लॉन्च किए थे। इसरो रिकॉर्ड 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला है। श्रीहरिकोटा में इस समय एक पर्व का माहौल है। बड़ी संख्या में लोग सतीश धवन स्पेस सेंटर के बाहर एकत्रित हुए हैं इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने के लिए। अगर ये प्रयास सफल होता है तो इसरो के गौरवपूर्ण इतिहास में आज एक और अध्याय जुड़ जाएगा। श्रीहरिकोटा से कैमरा पर्सन सुधांशु के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी।